अभी आपने जो 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन किए उसमें प्रॉपर्टी जिसे आपकी बुक में P4 के नाम से दिया गया है, यानी कि लिमिट 0 to a f(x) dx इक्वल टू लिमिट 0 to a f(a) - x dx का यूज किया, लेकिन अब जो 5th क्वेश्चन है आपका इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी जो है लिमिट को ब्रेक करने वाली, लिमिट a to b f(x) dx को हम लिमिट a to c f(x) dx प्लस लिमिट c to b f(x) dx में कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th दिया है -5 to 5 mod x + 2 dx। तो यहाँ हम यूज करते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी होगी आपके लिए लिमिट a to b f(x) dx इक्वल टू लिमिट, अब यहाँ ब्रेक करोगे लिमिट को, a to c f(x) dx और आगे आएगा यहाँ c से अपर लिमिट थी तो यहाँ लोअर हो जाएगी और ये b f(x) dx। इस प्रॉपर्टी का आप यहाँ यूज करेंगे। अब c को कैसे फाइंड करना है इसे देखना है, ये c कहाँ से आया, तो वैन ये जो मॉड में लिखा होता है वैन x + 2 = 0 तो इट्स इम्प्लाइज दैट x = -2। तो ये 3rd लिमिट यानी कि c की जगह आपको -2 यूज करना है। अब आपको ये साइन भी देखना होगा, पहले हम लिमिट यूज कर देते हैं i = -5 to -2 mod x + 2 dx और -2 to 5 mod x + 2 dx। मैंने यहाँ सिंबल यूज नहीं किए, इसमें ये बता दें कि एक तो होगा माइनस में और एक होगा प्लस में, कौन सा माइनस में कौन सा प्लस में होगा वो देखने के लिए यहाँ जो लिमिट आपको दी गई है इनमें से जो ग्रेटर नंबर वाली लिमिट है, साइन नहीं देखोगे, ग्रेटर नंबर है जो, तो 5 है, -5 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये -5 + 2 यानी कि -3 आया, नेगेटिव नंबर आया, तो यहाँ तो यूज होगा माइनस। अब जब यहाँ हम ग्रेटर नंबर यूज करेंगे यानी कि 5 लेंगे तो 5 + 2 = 7 जो पॉजिटिव आएगा तो इसके लिए साइन आएगा प्लस का। अब आप कर सकते हैं इंटीग्रेट i = -(-5 to -2) और इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट करें तो इस x dx और ये बस एक ही साथ कर सकते थे, माइनस यहाँ भी था इसलिए 2 को बाहर लिख दिया, dx और -5 to -2 + -2 to 5 x dx और ये हो जाएगा +2 - 2 to 5 dx। इस तरह से करना है तो i = और ध्यान रखना कि ये जितने भी इंटीग्रेशन है लिमिट वाले, लिमिट में कांस्टेंट यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये बाउंडेड होता है, इसमें लिमिट दी गई होती है। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस और इंटीग्रेशन होगा x²y2 लिमिट -5 to -2 -2, इसका इंटीग्रेशन होगा x और लिमिट यूज होगी -5 to -2 + इसका इंटीग्रेशन होगा x²y2 और लिमिट होगी -2 to 5 + यहाँ इंटीग्रेशन आएगा x और लिमिट होगी 5 और यहाँ पर होगी -2। तो पुट करते हैं लिमिट, अपर लिमिट -2 का स्क्वायर हो गया 2 का 4/2 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर यानी कि 5 - 5 का 25/2
टू माइनस टू, अपर लिमिट है माइनस टू और माइनस लोअर लिमिट माइनस फाइव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस अपर लिमिट फाइव का स्क्वायर 25 अपॉन टू, लोअर लिमिट टू का स्क्वायर सॉरी माइनस टू का होगा फोर और अपॉन टू, प्लस टू अपर लिमिट है फाइव, लोअर लिमिट है माइनस माइनस प्लस टू, लिमिट यूज कर चुके हो, अब आपको सॉल्व करना है ये माइनस, और खोलना चाहो तो इसको ऐसे ही खोल सकते हो, ये तो हो गया टू, तो माइनस टू और ये आ गया प्लस 25 अपॉन टू, और ये फाइव में से टू गया थ्री, तो ये माइनस का सिक्स हो गया, और यहाँ पर माइनस का टू आ गया, ये प्लस का 25 अपॉन टू हो गया, और ये प्लस का 25 अपॉन टू, और ये माइनस का टू, और ये प्लस 5 × 7 × 2 या 14 हो गए। तो अब कैलकुलेशन है आपके लिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, माइनस टू माइनस सिक्स यानी कि ये हो गए माइनस के 10, माइनस का 10 जब 14 में से जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा, तो 25 अपॉन टू प्लस 25 अपॉन टू और बचा प्लस का 4, ये हो जाएगा 50 अपॉन टू और बचेगा 4, तो I इक्वल टू आ गया 25 प्लस 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 29। नोट इट। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इसी टाइप का है। देखो लिमिट a टू b है और मॉड x माइनस फाइव है, तो यहाँ हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी वही a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस a c टू b एफ एक्स डी एक्स। तो c कैसे फाइंड करते हैं, लिमिट व्हेन x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू फाइव यानी कि c आपको यहाँ से मिलता है, तो यूज करते हैं हम प्रॉपर्टी का, आई इक्वल टू ये हो जाएगा 2 to 5 और मॉड एक्स माइनस फाइव डी एक्स प्लस 5 to 8 और मॉड एक्स माइनस फाइव और यहाँ पर डी एक्स, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन करते हैं अगर इसका तो ये आएगा, सॉरी अभी साइन लगाना नहीं बताया आपको कि साइन क्या आएगा, बताया था ग्रेटर नंबर यूज करते, लेकिन अगर ग्रेटर फाइव यूज करोगे तो आप कंफ्यूज रहोगे कि प्लस होगा कि माइनस जीरो, दोनों में करोगे तो फाइव से थोड़ा छोटा ले लो, टू से बड़ा ही हो यानी कि फोर ले लें, तो ये माइनस आ गया, 4 - 5 माइनस आएगा, और यहाँ पर हम 8 लेंगे तो 8 - 3 5 करेंगे माइनस में तो 3 आएगा जो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ तो साइन आएगा प्लस का और यहाँ आएगा माइनस का, लेकिन ये मान के मत चलना कि पहला माइनस दूसरा प्लस, ये चेंज भी हो सकता है, आपको इसी तरह से आइडेंटिफाई करना है। तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हो जाएगा माइनस 5x और लिमिट 2 to 5 प्लस इसी तरह से एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 5x और लिमिट होगी 5 to 8 इक्वल टू, लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट पुट करोगे 5 × 5 = 25 / 2 माइनस 5 × 5 = 25 माइनस लोअर लिमिट यूज करोगे तो 4 / 2 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 × 5 = 10 प्लस यहाँ पर लिमिट यूज करते तो ये 8 × 8 = 64 / 2 और माइनस 40
और माइनस फाइव फाइव या 25/2 25/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25। तो अब ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ये माइनस 25 ये तो हो गए 2 और कहीं 2 ये हो गए 32, तो ये हो जाएंगे आपके माइनस में 25/2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस है और ये हो गया आपका माइनस 2 माइनस 25 माइनस 27 में से 10 जाएगा तो माइनस का 17 और ये बार माइनस था तो प्लस का आ गया 17 प्लस ये हैं आपके 32 और ये हैं आपके 3 × 5 = 57 57 में से 40 जाएगा तो प्लस का बचेगा 17 और यहाँ से मिला आपको माइनस 25/2। तो ऐड करोगे इनको तो ये आ गए माइनस का 50/2 और प्लस का 34, तो ये आ जाएंगे आपके माइनस के 25 और प्लस 34 तो आपको मिलेगा i = 9। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। बताया था जहाँ लिमिट 0 to 1 मिले वहाँ आपको प्रॉपर्टी 4P4 यानी कि यूज करनी है प्रॉपर्टी ये, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f(dx) = (a − x) / (dx) यानी कि जहाँ जहाँ वेरिएबल है वहाँ आपको a माइनस एक्स करना है। तो ये i = जीरो टू वन, तो 1 − x और ये होगा 1 − x की जगह a माइनस एक्स यानी कि 1 − x तो ये 1 + x हो जाएगा और पावर n और ये dx तो ये आएगा 0 to 1 1 − x 1 से 1 कैंसिल x^n dx। तो मल्टीप्लिकेशन करना है आपको x^n ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर लो x^n dx हो जाएगा माइनस 0 to 1 x × x^n dx। एक बार और लिख लेते हैं आपके लिए 0 to 1 x^n dx माइनस x^1 और x^n पावर ऐड हो गई तो x^n + 1 और ये dx। अब आपको इंटीग्रेट करना है तो ये i = हो जाएगा x^n + 1 अपॉन n + 1 लिमिट आएगी 0 to 1 माइनस x^ ये n + 1 + 1 यानी कि n + 2 अपॉन n + 2 और लिमिट आएगी 0 to 1। तो i = ये लिमिट अपर लिमिट 0 यूज करोगे जब तो 1 to power n + 1 अपॉन n + 1 माइनस ये 0 to power करोगे कुछ भी होगा तो 0 ही आएगा और ये माइनस 1 to power n + 2 अपॉन n + 2 यहाँ भी जब 0 पुट करोगे तो 0 आएगा ये, तो ये आ गया 1 to power n + 1 हो n हो या कोई भी हो बनी वैल्यू रहती इनकी 1 upon n + 1 माइनस 1 upon n + 2 एलसीएम लोगे n + 1 और n + 2
तो यहाँ से आया एन प्लस टू माइनस यहाँ आएगा एन प्लस वन, और जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन और एन प्लस टू, तो आपका आंसर आ गया टू माइनस वन यानी कि वन अपॉन एन प्लस वन और एन प्लस टू, ये हुआ आपका आंसर। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। यहाँ भी लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर यानी जीरो टू ए है, तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो करते हैं प्रॉपर्टी का यूज, यू जीरो टू पाई बाई फोर और लॉग वन प्लस टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, और ये आएगा यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला फ्लिप पुट करोगे यहाँ, तो टेन ए माइनस बी इक्वल टू होता है, सिंस टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी टेन ए टेन बी। तो ये होगा वन टेन ए माइनस टेन बी यानी कि टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन फोर्टी फाइव, और टेन पाई बाई फोर को फोर्टी फाइव लिख दिया टेन एक्स, और ये डी एक्स, तो आई इक्वल टू हो गया जीरो टू पाई बाई फोर लॉग, अब थोड़ा शॉर्ट करेंगे ये वन माइनस टेन एक्स, और ये हो गया वन प्लस टेन एक्स। अब लोगे आप एलसीएम यहाँ अगले स्टेप में, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग एलसीएम लिया वन प्लस टेन एक्स, और ये प्लस वन माइनस टेन एक्स, और यहाँ आ गया वन प्लस टेन एक्स, तो टेन एक्स कैंसिल हुआ, तो ये आई इक्वल टू हुआ जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स वन प्लस टेन एक्स, और ये डी एक्स। तो प्रॉपर्टी यूज करोगे लॉग एम अपॉन एन की, तो लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर और ये लॉग टू माइनस लॉग वन प्लस टेन एक्स, और ये यहाँ पर डी एक्स। अब सेपरेट कर लेते हैं इसे, तो आई इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग टू डी एक्स माइनस जीरो टू पाई बाई फोर वन प्लस लॉग वन प्लस टेन एक्स डी एक्स, तो आई इक्वल टू लॉग टू जीरो टू पाई बाई फोर डी एक्स माइनस लॉग जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स जीरो टू पाई बाई फोर लॉग वन प्लस टेन एक्स, इसे हम आई लिख सकते हैं, तो ये हो गया हमारा आई। तो इधर आया तो ये हो गया टू आई इक्वल टू लॉग टू लॉग टू, कॉन्स्टेंट है ये बाहर रहेगा, यहाँ एक्स हो गया लिमिट पाई बाई फोर टू जीरो, तो टू आई इक्वल टू हो गया लॉग टू पाई बाई फोर माइनस जीरो, तो इक्वल टू लॉग टू यानी कि पाई बाई फोर को पहले कर लो कॉन्स्टेंट है, तो पाई बाई फोर इंटू लॉग टू, तो आई इक्वल टू हो जाएगा, और I इक्वल टू पाई बाई एट लॉग टू, यही होगा आपका आंसर।